मुंगेली जिले में पिछले एक सप्ताह से खाद और बीज की व्यवस्था वितरण व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। मुंगेली की 43 समिति के कर्मचारी काम बंद कर हड़ताल पर चले गए हैं, जहां किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि जिले की तमाम समिति केंद्रों में करोड़ों रुपए के खराब हुए धान के शॉर्टेज की भरपाई को लेकर समिति कर्मचारी और विपणन विभाग के बीच विवाद चल रहा है, जिसका खामियाजा अब किसानों को भुगतना पड़ रहा है। अभी भी समितियों से कई किसान हैं जो वापस लौट रहे हैं, तो उनको खाद बीज मुहैया नहीं हो पा रही। नहीं, उनके लिए हमने सेंट्रल सुपरवाइजर और ब्रांच मैनेजर को बोला है। धान बेचे है ना, धान नहीं उठ पावा थे इसे बोल देते। यहाँ अबे तो समिति सेवक बोलते कि अभी खातू नहीं आए हैं, अभी केसीसी नहीं लिखे है धान ऐसे। ऐसे कौड़ी नहीं का किसान हमारे सब फसल नष्ट हो गई। अब धान बेचे है ना, बोनस वोनस नहीं मिले, हर महीना तो है कहीं से नहीं दे, चार किस्तम पैसे कौड़ी नहीं, खातू मत की जरूरत पड़ी।